सकते हैं जो खोड़ा में मीटिंग चल रही थी वो मीटिंग समाप्त हो चुकी है। सभी लोगों को एएसपी साहब ने, सीओ साहब ने, ईओ साहब ने, खोड़ा लोनी ईओ साहब ने सभी से एक ही शपथ ली है कि वो आपसी सौहार्द ना बिगाड़ें, ना बिगड़ने दें। और स्पेशली खासकर सोशल मीडिया पर जो असामाजिक तत्व गंदगी फैलाते हैं, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, उन असामाजिक तत्व से भी निपटने के लिए प्रशासन इस समय सक्रिय है, आम जनता भी इस समय सक्रिय है। सर क्या कहना चाहोगे, जो सोशल मीडिया पर जो सामाजिक तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? इनके लिए रोका जाएगा, ये फैलाने ना पाए। इनके लिए हम लोग सभी मिलके, हिंदू मुस्लिम सब मिलके काम करेंगे, क्योंकि समाज एक जुड़ना, कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, सब इंसान है। इंसान के नाते इंसानियत का फर्ज निभाना है हमें। और जो है कि मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा इसी धरती पर रहेगा, लेकिन मजहब के खातिर या धर्म के खातिर किसी की जान ना जाए, हम लोग इंसान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई अभी हमारे मंडलाध्यक्ष जी नगद चौहान जी हैं, अभी उन्होंने क्लियर कह दिया कि हम लोग आज 5-7-10 दिनों से इसी काम में लगे हुए हैं, छोटी छोटी बैठकें करके लोगों को उसको समझाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई भी उत्पाद करने वाला व्यक्ति कोई संज्ञान में आता है तो उसका सूचना ऊपर अधिकारियों को दिया जाए। साथ में हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, कहीं भी किसी प्रकार का व्हाट्सएप पे कोई मैसेज वगैरह आता है तो उसको हम कभी कोई फॉरवर्ड नहीं करेगा। लगभग 50% लोगों के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, गलियों में जाके लोगों को इससे अवगत करा चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अध्यक्ष जी कहेंगे, हमारे अध्यक्ष जी ने तो बात रख दी। अब अध्यक्ष जी आप क्या कहना चाहेंगे बताइए। हम सब लोग भारतीय हैं और हमारे लिए ये बहुत महत्व की चीज़ नहीं है। हमारे लिए भारतीयता की संप्रभुता प्राथमिकता पर रहेगी और हम किसी भी हालत में सद्भाव बिगड़ने नहीं देंगे, हम भाईचारा बनाए रखेंगे, यही हमारा प्रण है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से असामाजिक तत्व ऐसे मूवमेंट पर सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है व्हाट्सएप ले लो या जो भी सोशल मीडिया ले लो, उनके लिए उनसे कैसे बचा जाए? क्या आम आदमी भी साथ देगा पुलिस प्रशासन का? हर एक आम आदमी पुलिस प्रशासन का साथ देने को तैयार बैठा है। और रही बात, आप बार बार सभी लोग मीडिया की और व्हाट्सएप की बात करते हैं, हम सबकी नज़र उस पर है और हम लोग शासन प्रशासन से ये भी निवेदन करके उस दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट बंद कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि इस प्रकार का कोई प्रचार हो ही ना पाए। इनका साफ कहना है कि आम आदमी प्रशासन के साथ खड़ा हुआ है, किसी भी तरीके के असामाजिक तत्व को, असामाजिकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसा यदि कोई भी असामाजिक तत्व संज्ञान में आता है तो वो खोड़ा क्षेत्र एसएसपी, एसपी को सीधा इसकी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि समाज में सौहार्द बना रहे। आज जो ये मीटिंग रखी गई है तो शासन प्रशासन की एक चिंता है कि जो समाज के शरारती तत्व हैं ऐसे वक्त में वो सक्रिय हो जाते हैं और समाज का जो सौहार्द, जो प्यार, जो समाज का भाईचारा है उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अब तक के जितने भी झगड़े रहे हैं उनके पीछे ऐसे लोगों का हाथ रहता है और वो करके निकल जाते हैं, उनका शायद कुछ नहीं बिगड़ता। और जो समाज का वो वर्ग है जिसका कोई दोष ही नहीं है, जिसको इन चीज़ों से लेना देना ही नहीं है, कहीं ना कहीं उसको पनिशमेंट भुगतना पड़ता है। और मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगा, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, सारी अदालतों के बाद जो डिसीजन होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है और उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन होता है वो लास्ट डिसीजन होता है और सर्वमान्य होता है। उसके बाद माननीय राष्ट्रपति जी रह जाते हैं, अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ कोई भी मुकदमा जाता है, अन्यथा वही डिसीजन सर्वमान्य होता है। और हम सबको क्या नाम है, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और हम सबको उनकी बुद्धि, उनके विवेक पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे उत्तम विवेक वाला व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में बैठा हुआ है और वहाँ भी एक कमेटी होती है, एक टीम होती है। और आपको पता है कितने लंबे समय से इस प्रक्रिया पर विचार चल रहा है और उसके बाद ये डिसीजन आ रहा है, तो मेरे ख्याल से सबको सम्मान करना चाहिए, सही आएगा। ये हिंदुस्तान के अंदर यहाँ कानून का राज है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कानून नहीं है, उसका फैसला हर वर्ग को मानने होगा। फैसला कोई भी आए वो सर मत्थे के ऊपर है और हम यही चाहेंगे कि भाईचारा बनाए रखे, जैसे अपने पड़ोस में हम लोग रहते हैं, अपने भाइयों से मिलजुल के रहते हैं, ऐसे ही रहे, कहीं पर कोई भी ऐसी दुर्घटना का माहौल ना बनाए। हमारा संदेश ये है कि भारत की सबसे बड़ी न्यायालय का फैसला आ रहा है जिसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के उसको सर्वमान्य फैसला होगा, सब लोग बिना किसी विरोध के, बिना किसी उसके उस फैसले को स्वीकार करेंगे।